पहुंच गया, आया क्यों नहीं? अरे सुन, बाद में कॉल करता हूं। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम, ड्राइंग बुक भूल गई। आपकी ड्राइंग बुक। ओह सॉरी, थैंक यू सो मच। मैं तुम्हें इतना पसंद आया। क्या मतलब है आपका? तो मेरी ड्राइंग क्यों बनाई? ओह ये, लोगों के स्केचेस बनाना मेरी हॉबी है। मतलब मुझमें कोई तो बात दिखी ना। हे हेलो, ज्यादा उड़ने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही बना दी थी मैंने, अब मुझसे चिपको मत। ओह अगर मैं पसंद नहीं तो मुझे सीने से क्यों लगाया है? बोलो। सीने से? हाँ? मैंने तुम्हें सीने से कब लगाया? Don't act smart, huh? पैदा ही स्मार्ट हुआ था। तुमने किताब में मेरी तस्वीर बनाई और मैंने तुम्हारी तस्वीर यहाँ अपने दिल पे बनाई। मीठा दर्द हो रहा है। ये क्या बोल रहे हो, जरा भी अकल नहीं है क्या तुम्हें? तुम्हें देखा है तब से अकल हड़ताल पर गई है, दिल रुक गया है। तुम बहुत पसंद हो, तुमसे प्यार हो गया, लाइफ पार्टनर बन जाओ, शादी फिक्स करो। दिस इज टू मच। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, अगर मैं पसंद हूँ तो कुछ कहे बिना चली जाना, अगर पसंद नहीं तो एड्रेस देकर जाना। जा रही हो मतलब मुझे चाहती हो? शहर में कहीं भी छुप जाओ, दो दिन में ढूंढ निकालूंगा, जब खिड़की खोलोगी सामने खड़ा दिखूंगा। बाय। यार बंटी, आज इन लहरों में कुछ अलग ही बात लग रही है। वैसे आप भी आज कुछ बदले बदले से लग रहे हो। ऐसा क्यों? इतनी रात को यहाँ लाकर मुझे मेरा फेवरेट रोल खिलाया, क्या खिचड़ी पक रही है? मेरी लाइफ में चमत्कार हो गया। क्या हुआ, निधि ने आपको डेज कर दिया क्या? नहीं यार, लाइफ में एक और नई लड़की आ गई है। अच्छा ये बात है, इसीलिए चेहरा चमक रहा है। हाँ यार, मेरे सपनों की रानी आज मेरे सामने खड़ी थी। सच में, कहाँ रहती है वो? इसी शहर में। कहाँ रहती है पता नहीं, पता लगाना है, ढूंढ लूंगा उसे। भैया जहाँ गूगल सर्च भी नहीं पहुँच पाता आप वहाँ पहुँच जाते हैं, एक बार ठान लेंगे तो आप यूँ ढूंढ लेंगे उसे। तुझे किसी की नजर ना लगे। शहर में कहीं भी छुप जाओ, दो दिन में ढूंढ निकालूंगा। ये चीजू यहाँ कैसे आ गए? आप यहाँ कैसे आए चीजू? कैसे से मतलब? कोई सलवार दुपट्टा हो तो दे दो मुझे, लड़की बनके फिर मिलने आता हूँ। अरे छीछी क्या, सच में वो कपड़े पहनूंगा क्या? चलो हटो। लेकिन जीजू, चुप करो। ये बताओ, जब तुम यहाँ इस शहर में रहने आई हो तो मेरे घर में रहने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? ऐसी बात नहीं है जीजू, ये घर बहुत सेफ है। अच्छा, ऐसा सुंदर थोबड़ा लेकर सी बीच पर मटकती फिरोगी तो यहाँ के लड़के तुम्हारी पूजा करेंगे क्या? अरे अरे अरे, आराम से बेटा, लगता है कोई याद कर रहा है। लो पानी पी लो। जरूर वो बीच वाली ब्यूटी होगी। आई नो, सेल्फ रिस्पेक्ट। चलो मान लिया कि तुम्हारी आत्मा किलोज में है तो मेरा ईगो क्विंटल्स में है। बैग पैक करो, चलो। प्लीज जीजू, प्लीज जीजू। अच्छा ब्रदर, मेरे जीजू भगवान है ऐसा एक टैटू बनाकर रेडी रखो। किसके लिए? और किसके लिए, तुम्हारे लिए। वो टैटू देकर छिछोरे भावरे दूर रहेंगे। टैटू आटो रहने दीजिए, मैं आपके घर चलती हूँ। तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, ऑनर, उसका क्या? बैग पैक करो। दरवाजे की औकात देखो, हाथों से खोलूंगा पर पैर से बंद करूंगा। हट। छी, लड़की को ढूंढने निकला था, इस मनहूस की शक्ल देख ली, क्या करूं? अगर इसने देख लिया तो ना लड़की मिलेगी ना उसका एड्रेस। निकल जा बेटा।
स्वाति। हाय दीदी, कैसी हैं आप? एकदम ठीक। हाय बंटी। मम्मी पापा कैसे हैं? दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तुम ऊपर जाओ, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। बंटी इधर आ। यहाँ क्या कर रहे हो? एग्जैक्टली, पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरे जीजू का घर है। ओह, मेरी पड़ोसन बनने के लिए ये बहाना ढूंढा है। तुमने तो मुझे तुम्हें ढूंढने का मजा ही नहीं लेने दिया। शह, बुढ़ापे में क्या याद करूंगा? सिर्फ दो दिन रुक नहीं सकती थी? इतना प्यार है मुझसे। हेलो हेलो, तुम्हारी सोच की ट्रेन क्या सिर्फ एक ही पटरी पर चलती है? चलो ठीक है, क्या फर्क पड़ जाएगा, तुमने डोरे डाले या मैंने, एक ही बात है। लेकिन इतना तो साफ हो गया कि तुम मेरी दीवानी हो। नॉटी। ऐसा था तो बीच पे ही बोल देती। वो क्या? तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गई हो, ये राज ही रखूंगा। तुम्हारा वो जीजू ना ईगो का गुब्बारा है, अब मुझे ही उसे हैंडल करना पड़ेगा। हम छुप छुप कर मिलेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे, उसका अपना एक अलग ही मजा है। ओके बाय। अरे ये मनहूस भी आ गया। हाय। हाय गुरु। ऊपर से आ रहे हो क्या? एयरपोर्ट के पास रहने में यही दिक्कत है। पैराशूट से कूदा। ओ, गलत छत पर आकर गिरा। पैराशूट जंपिंग यहाँ पर नहीं, ऊटी में करवाते हैं। ए, गुरु, 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 स्मार्ट है। ए, रुक रुक, मुझे खुश तो कर दिया पर लॉजिक कहाँ गया? ऊपर वाले कमरे में तू कैसे पहुंचा? क्या गुरु, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, ऊपर नीचे कहीं से भी आऊंगा। अब पड़ोसी है तो फिर मेन गेट से आना चाहिए था ना। बता 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 बता। मेरा कॉलर पकड़ लिया करो। यस, वो भी कसके। अब यही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा, मेरा ईगो हर्ट हो गया। तू भी ईगो रखने लग गया क्या? एए, ईगो रखना BMW कार जैसा होता है, खरीदना तो आसान है, मेंटेन करने में पुंगी टाइट हो जाती है। और तेरे ईगो का मेरे ईगो से क्या मुकाबला? चल भाग यहाँ से, मुझसे कंपटीशन करेगा है? अरे तुम हो। क्या हुआ, फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? हाउ मेनी टाइम शुड आई कॉल यू? कार में बैठो। क्या बात है, कोई मुझे किडनैप कर लेगा सोचकर घबरा गए? जिसे किडनैप करना हो करे, तुम्हें देखकर घबरा गया, लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग, शादी से पहले तो सब रोमांस करते हैं। कभी तो नॉर्मल लड़कियों जैसी बात करो प्लीज। क्यों, रोमांस करने का हक सिर्फ लड़कों को है, लड़कियां नहीं कर सकती? कहाँ लेकर जा रही हो? एक्चुअली आज डैडी घर पर ही हैं, तुमसे मिलना चाहते हैं। ओह, बाप बेटी मिलकर शादी की सेटिंग करने वाले हैं? नो, जस्ट अ कैजुअल मीटिंग। वैसे इस मामले में मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, हालांकि तुम्हें कहीं और भी नहीं जाने दूंगी। हाय डैडी। हाय बेटा। हाँ अंकल। हाय सिद्धू, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? पॉलिटिशियन हूँ, घर से ज्यादा तो बाहर रहता हूँ, घर में भी मेहमान होने जैसा एहसास होने लगता है। अच्छा सिद्धू, अपने पेरेंट्स से कहो कि एक दिन वो मुझसे आकर मिले। ठीक है अंकल, लेकिन वो किस... डैडी बाद में बात करें। बाय बाय। ये लड़का कौन है? अगर सब सही रहा तो ये दामाद बनेगा। करता क्या है ये? IAS में टॉप किया है, ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, बस पोस्टिंग होनी ही बाकी है। और बेटी? वो तो बिल्कुल पागल ही है, सिद्धू के साथ फ्लर्ट करने के चक्कर में फेल हो गई। हाय आंटी। हाय बेटा। ये क्या मॉम, फ्रेंड के सामने अपनी बेटी की तारीफ कर रही हैं? करनी पड़ती है ना, कल जब सिद्धू कलेक्टर बन जाएगा, मेरा दामाद बन जाएगा, तो पूरी दुनिया के सामने मैं भी रौब दिखाऊंगी ना। आप क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसने जो कुछ सोच कर रखा है वही करेगा, बट अगर वो कुछ ठान ले तो किसी के कहने से पीछे नहीं हटता। इसीलिए मैं खुद को उसके हिसाब से ढालने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, क्या हुआ, खाना नहीं खाया क्या? लगता है खाने में पूरी किताब खा जाओगी। बाप रे, मेरी जिंदगी की कहानी किताब में छप गई। बदतमीज पड़ोसियों से कैसे निपटा जाता है वही पढ़ रही हूँ।
क्या यार स्वाति, आखिर हम पड़ोसी हैं। पड़ोसियों के मन एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। इस दीवार को देश के बीच का बॉर्डर मत बनाओ। तुमने जो कहा ना, मुझे सुनाई नहीं दिया? मैंने तो कुछ नहीं कहा। मैं मुंह से बात करता हूँ और तुम अपनी आँखों से। दूर से देखना मुश्किल है, मैं पास आ जाऊँ? हमेशा बकवास करते हो, और कोई काम नहीं है क्या? हेलो हेलो, मैं आईएएस ऑफिसर हूँ। आईएएस? हाँ पता है, यू आर स्मार्टर देन एवरीवन। नहीं नहीं, मतलब आई एंड स्वाति, मैं आ जाऊँ? यहाँ आओगे तो चिल्लाऊंगी। ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये क्या करो, सच में चिल्लाऊंगी हम। ठीक है, चिल्लाओ। वहीं रुक जाओ, वरना चिल्लाओ ना। जीजू मैं आ गया। तुम यहाँ सीढ़ी पे चढ़कर आ गए क्या? पैराशूट से क्यों नहीं कूदे? सुबह से बूढ़ों से शिष्टाचार और संस्कारों के प्रवचन सुन रहा हूँ और यहाँ पेटा बंदरों की तरह छत्तों को लांग रहा है। लड़की देखी नहीं कि सांड की तरह पीछे लग गया? जिस शहर में ऐसे ठरकी दरिंदे होंगे वहाँ पर भोली भाली मासूम लड़कियों का क्या होगा? जालिम दुनिया से बचाने के लिए उसको यहाँ पर घर पे ले आया तो तू उस पर लाइन मारने के लिए घर में घुस गया? तुम जैसे को ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, गाँव के चौराहे पर फांसी लगा देनी चाहिए। चिल्लाई तो तुम्हारा जीजा मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना देगा। वैसे वो कुछ गलत भी तो नहीं कहेंगे। क्या मतलब, मैं तुम्हें ठरकी लगता हूँ? सच में आ जाऊंगा तब तो चिल्लाना ही पड़ेगा। अब देखा जाएगा। ए, ये ठीक नहीं है। हा? किसी ने देख लिया तो बदनाम हो जाएंगे। मतलब किसी ने ना देखा तो ओके है ना? मुझसे मिलने ही तो यहाँ रहने आई हो और अब पास आ गया हूँ तो इतना नाटक क्यों कर रही हो? जीजू! स्वाति! ये क्या देख रहा हूँ मैं? भूखे भेड़ियों से बचा कर यहाँ पर ले आया तो यही गुल खिलाने लग गई। अरे तुम्हें एक भोली भाली मेमना टाइप लड़की समझा था, कपड़े भी पूरे पहनती हो फिर भी उन कम कपड़ों वाली से दो कदम आगे निकल गई। अरे तुम जैसी लड़कियाँ मर्दों का बीपी और पल्स रेट बढ़ाती हो, कितने चिकने हो, मेरे क्यूटी पाए हो और फिर उन्हें दरिंदा बना देती हो। तुम्हारे माँ बाप से मैं क्या कहूंगा और मेरे घर की इज्जत? छी छी, अबे कितनी देर सपना देखेगा, चल जा जा। मेरा नहीं, वो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाएगा। अगर तुम चाहते हो कि हम दोनों की इज्जत बनी रहे तो वहीं पर रहो, यही ठीक होगा। ठीक है, तुम अपनी किताब खाकर सोने चली जाओ, अगली बार जब मिलेंगे प्लान बना कर आऊंगा। ओके, गुड नाइट, बाय। कहां बल्ले पर? स्वाति, आज मुझे तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना है। क्या बताना है? पीछा करना, फ्लर्टिंग करना, किसी को डेट पर ले जाना, ये सब वक्त की बर्बादी है। अगर किसी इंसान का कैरेक्टर जानना हो तो पहले फोन में उसकी प्लेलिस्ट देख लो। ओह, मेरा असली कैरेक्टर क्या है ये मेरे प्लेलिस्ट के 3 गानों से पता चल जाएगा। प्लेलिस्ट जानना इतना जरूरी है? अरे बहुत जरूरी है, तुम खुद सुनो। सुनो, अरे पकड़ो ना, सुनो। भैया। हाँ, बोलना। पापा की पार्टी इन्हें पटाने के लिए रखी थी ना? हाँ यार, पान के नाम पे उसे चूना लगाया। एक्चुअली इसे प्लेलिस्ट सुना के फ्लैट करना था। पहला गाना है फ्रॉम आर्या, फील माय लव। तुम ऐसे गाने सुनते हो? नेचर से प्यार है ना, आज तक किसी को बताया नहीं पर वही मेरा इंस्पिरेशन है। ये गाना सुनकर मैं नेचर के करीब जाता हूँ। अब तुम अगला गाना सुनो प्लीज। अगला गाना और भी जबरदस्त है। ये मेरा जहां मेरा घर मेरा आशियां, मेरा जहां मेरा घर मेरा आशियां, जब हंसने का देखे जलवा, चांदी से रूप का ये जलवा, रोमांटिक दिल का ये जलवा, चलती जवानी का जलवा, लव का ये जलवा, नशीले। ये है तुम्हारी चॉइस? बिल्कुल, मेरा फेवरेट है, रोज सुनता हूँ इसे। वो क्या है, ऐसा संगीत सुनने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन साफ हो जाता है। अब तुम तीसरा गाना सुनो, तुम्हारा मन भी साफ हो जाएगा। मेरी खातिर प्लीज आखिरी गाना सुनो। तीसरा गाना माइंड ब्लोइंग है, बुट्टू बोमा। नशा 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 चढ़ा प्यार का नशा। अरे एक मिनट, ये गाना क्यों बज रहा है? ये मेरा फोन नहीं है, तुम्हारे जीजू का फोन है। मेरा फोन कहाँ गया? मेरा फोन, ये देखो मेरा फोन। मेरी प्लेलिस्ट सुनो ना प्लीज। आज के लिए इतना ही काफी था, प्लीज। स्वाति, स्वाति, अब गाने तो फेल हो गए और दिल की बात कहना मुश्किल है,
लेकिन मेरी आंखें तुमसे कुछ कह रही हैं। इन्हें पढ़ लो, जो कुछ कहना चाहता खुद समझ लो। अपनी जुबान से ये बात फिर किसी दिन बताऊंगा। चलता हूं।